क्या आपकी मसल्स बिना किसी कारण के फड़कने लगती हैं? आपको लगता है कभी कि पैर की काफ मसल्स, कभी कभी आंख के ऊपर की आईलिड्स की मसल्स अचानक से फड़कने लगती हैं? आपको इनवॉलेंट्री मसल्स का मूवमेंट होता है जो कंट्रोल नहीं होती हैं? या आपके हाथ पैर बहुत जल्दी सुन्न हो जाते हैं, आप जरा सा थोड़ी देर बैठते हैं और आपके पैर या हाथ पूरी तरह से सुन्न पड़ जाते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये एक ऐसी ही कोई आम सी समस्या है या ये किसी बड़ी बीमारी के कोई लक्षण है? एक्चुअल में ये आपके मस्कुलर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये किसी डेफिशिएंसी के कारण, विटामिन की डेफिशिएंसी या किसी और एलिमेंट की डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकते हैं, या फिर ये स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा एक्सर्शन के कारण भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के कारण भी ऐसा हो सकता है, और कई बार आपके ब्रेन के अंदर अगर कोई समस्या है या आपकी नर्व्स के अंदर कोई समस्या है तब भी इसका कारण ये हो सकता है। तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसका आप ध्यान दें। अगर ये आपके ब्रेन की कारण है, अगर आपकी ब्रेन की समस्या के कारण है, तो उसके साथ दूसरे एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हो सकते हैं। आपको अगर आंख में ट्विचिंग है या इस तरह का इन्वॉलंटरी मूवमेंट आता है, हो सकता है फिर आपके टंग पे या दूसरे एरिया पे भी इस तरह की सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं, किसी हाथ या पैर पे इस तरह की दिक्कत हो रही है या आपको ब्लैकआउट्स हो जाते हैं और आपको वर्टिगो होता है, तो फिर आप फटाफट न्यूरोलॉजिस्ट को मिलें, एग्जामिन कराएं, और हो सकता है आपको MRI ब्रेन करा के देखना पड़े कि ब्रेन के अंदर कोई लीजन तो नहीं है। लेकिन अक्सर केसेस में ब्रेन के अंदर लीजन नहीं होता है, सिंपली अगर आपने पानी कम पिया है या आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस का मतलब होता है कि आपके अंदर सोडियम पोटेशियम या क्लोराइड का जो है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप पानी कम पीते हैं या आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बैलेंस बना के रखे, या आपके अंदर कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है। ख़ास तौर से विटामिन B12 इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आपका B12 की कमी होती है तो आपको इस तरह के इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट आते हैं और अक्सर जो है मस्कुलर वीकनेस होने लगती है। उसके अलावा विटामिन ई और कैल्शियम की कमी से भी इस तरह की समस्याएं आती हैं। अगर आपके अंदर कैल्शियम की और विटामिन ई की कमी होती है तो आपकी मसल्स या तो फड़कने लगते हैं या उनके अंदर स्पाज्म होने लगता है, और कई बार आपने देखा होगा रात को सोते समय आपकी काफ मसल्स में बहुत तेज ऐठन होती है, बहुत तेज से दर्द हो जाता है एक या दोनों मसल्स में। ये कैल्शियम की डिफिशियंसी का एक बड़ा कारण होता है या विटामिन ई की डिफिशियंसी का एक बड़ा कारण होता है। ये स्मोकर्स में भी हो सकता है। स्मोकर्स में एक डिजीज होती है जिसको बर्जर सिंड्रोम कहते हैं, वो अगर ज़्यादा स्मोक करते हैं तो उनकी काफ मसल्स में भी इस तरह का पेन होने लगता है। तो आप ये भी ध्यान दें कि कहीं आप स्मोकिंग तो नहीं करते हैं। अब अगर इस तरह की समस्या है तो उनको रोक कैसे सकते हैं? देखिए, विटामिन्स की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, आप दूध, प्योर दूध का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रोल इम्बेलेंस को आप कंट्रोल करेक्ट करके रखें, आप उसके लिए इलेक्ट्रोल पी सकते हैं, एनर्जल जैसी चीज़ें पी सकते हैं, नमक पानी चीनी का घोल पी सकते हैं, और पानी की मात्रा आप ज़्यादा पिए, हर घंटे एक गिलास पानी ज़रूर पिए जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 जनरली नॉनवेज से मिलता है, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो विटामिन B12 बढ़ाने के लिए आप नॉनवेज का इस्तेमाल करें। आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आपको अलग से कुछ सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे या कुछ प्रोटीन की मात्रा अपने भोजन में बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको काफ मसल्स के अंदर स्पाज्म आते हैं तो रात को एक विटामिन ई का कैप्सूल 10 से 15 दिन खा सकते हैं, और कैल्शियम की एक गोली कम से कम एक महीना रोज लगातार खाएं। साथ में विटामिन D3 भी लें, क्योंकि कई बार जब विटामिन D3 की डिफिशेंसी होती है तब भी आपको कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और आपको फायदा नहीं मिलता है। आप जब भी कैल्शियम की टैबलेट खाएंगे, हफ्ते में एक विटामिन ई का पाउच, पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल जरूर ले लें। इस तरीके से आप अपनी इस समस्या से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने आप को हेल्दी बना के रख सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक जरूर कर लें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।